शहर की यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ल के द्वारा यातायात माह के तहत शहर में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को शहर में बख्शीपुर, अग्रसेन तिराहा, गणेश चौराहा, गोलघर सहित अन्य स्थानों पर यातायात नियमों को तोड़ने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें, आगामी पर्व धनतेरस और दीपावली के मद्देनजर शहरवासियों को जाम से निजात दिलाने के लिए यातायात पुलिस शहर के विभिन्न इलाकों में करीब सैकड़ों दोपहिया चार पहिया वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने बताया कि सभी वाहन चालक शहर के अंदर जो पार्किंग स्थल बनाए गए हैं वहां पर ही वाहन को खड़ा करें। अभी भी बहुत से लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से जाम लग जाता है। आज ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। साथ ही चेकिंग अभियान के दौरान दोपहिया और चार पहिया वाहनों का चालान भी किया गया है। उन्होंने बताया कि शहर के अंदर लगातार काले ऑटो के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बहुत जल्द शहर के अंदर काले ऑटो का प्रवेश बंद हो जाएगा। एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने शहरवासियों से अपील किया है कि जब भी बाजार में जाएं अपने वाहन को अस्थाई स्टैंड में ही खड़ा करें, सड़क पर अपने वाहन खड़ा मत करें। सड़क पर खड़े हुए वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी और ये अभियान निरंतर चलता रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने कहा, ये यहाँ पर पार्किंग खोली गई है यूनाइटेड टाकीज के सामने, और लगातार एक हफ्ते से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो भी व्यापारी हैं, जो भी ग्राहक हैं, तो अगर मार्केट में आ रहे हैं तो अपने वाहनों को पार्किंग में खड़ा करें। कुछ लोगों ने पार्किंग में खड़ा करना शुरू भी कर दिया है, लेकिन अधिकांश लोग अभी भी अपनी दुकान के बाहर वाहनों को लगाते हैं जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती है। तो ऐसे सभी लोगों का यहाँ चालान किया जा रहा है जिन्होंने अपने वाहनों को रोड के दोनों तरफ पार्क कर रखे हैं और जो यातायात में आवागमन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। प्रतिदिन लगभग 600-700 वाहनों का चालान हो रहा है, कई वाहनों को सीज किया जा रहा है, कुछ पे पार्किंग के तहत चालान हो रहा है, हेलमेट जो लगा के नहीं चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और हम ये पूरा प्रयास कर रहे हैं
कि जो आम नागरिक हैं, आम शहरी हैं, इनके मूवमेंट में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, कोई जाम की समस्या ना हो। पहले ऑटो पर भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ये डीजल से संचालित ऑटो हैं जिनके लिए शहर की सीमा के बाहर स्टैंड निर्धारित किए गए हैं, लेकिन अब भी बहुत से वाहन जो हैं अंदर आ जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ़ हम कार्रवाई कर रहे हैं।